दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक जागे रह सकते हैं? 2 या 3 दिन तक। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, क्या आपको पता कि वो कितने दिनों तक नहीं सोया? 11 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रैंडी गार्डनर की। एक ऐसा लड़का जिसने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट को इतना सीरियस लिया कि वो इस दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान बन गया जो पूरे 11 दिनों तक न सोया था। दोस्तों, ये बात है साल 1963 की, जब रैंडी के फादर आर्मी में थे, तो इसी वजह से उन्हें हर साल अपना घर चेंज करना पड़ता था। लेकिन एक चीज़ को कभी नहीं बदला, वो था रैंडी का साइंस के प्रति प्यार। रैंडी स्कूल के हर साइंस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते, और अब उनका अगला साइंस प्रोजेक्ट होने वाला था इंसानी शरीर की सीमा को जांचना। इसमें वो ये देखने वाले थे कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कब तक बिना सोए रह सकता है। आपको बता दें, उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट में उनके 2 दोस्त और थे जिनका नाम है ब्रूस और जो। दोस्तों, इन दोनों का काम केवल इतना था कि किसी भी हाल में रैंडी को सोने नहीं देना। लेकिन इन तीनों को इस बात का अनुमान न था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से रैंडी रातों रात फेमस तो हो गई, लेकिन इतने खतरनाक था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे रिकॉर्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में एक दिन रैंडी पूरी रात सोकर सुबह 6 बजे उठे। देखिए, अब ये तो फर्स्ट डे था, इसलिए नींद को रोकना कोई खास काम नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए समय बिता दिया, लेकिन परेशानियां स्टार्ट हुई 3रे दिन से, क्योंकि अब उनकी हालात खराब होनी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले तो उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ, जिसके बाद उनका थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूड बदलने लग गया और वो बात बात पर खुद को कन्फ्यूज महसूस कर रहे थे, और वह दोनों दोस्त उनके इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर रहे थे, और रैंडी ने उन्हें पर फालतू में चिल्लाना शुरू कर दिया, और रैंडी ये तक भूल गए थे कि वह कौन है और उनका नाम क्या है। इसके अलावा उसको बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी थी। अजीब चीज़ों में उन्हें फील हो रहा था कि उनके जूतों में मकड़ियाँ घुस चुकी हैं, इस कारण उन्हें बैठे बैठे अपने जूते निकाल कर फेंक दिए। इसके अलावा रैंडी को तो ये याद न था कि वह खुद कौन है, लेकिन उन्हें अचानक से ये महसूस होने लगा कि वह इस दुनिया के सबसे माहिर फुटबॉलर हैं। दोस्तों, इतने दिनों तक न सोने की वजह से ये वो अब थोड़े पागल भी हो चुके थे। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई कि एक लड़का है जो पूरे 5 दिनों तक नहीं सोया, जिसके बाद सभी रिपोर्टर्स उनकी खबर कवर करने के लिए उनके घर तक आ गए। इसके बाद जब ये खबर वैज्ञानिक विलियम डीमेंट को नींद पर ही अपने शोध कर रहे थे उनके पास पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि उनको इस लड़के की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, 6ठा दिन शुरू होते होते चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ाने लगी, क्योंकि अब रैंडी को लग रहा था कि उसके कमरे का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा नहीं बल्कि एक रास्ता है जो सीधा जंगल की ओर जाता है, क्योंकि अब उसे वो दरवाज़ा तो दिखाई दे ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो अभी तक खुद ही नींद पर काबू करने में सक्षम थे और उन्होंने एक झपकी तक नहीं ली थी। दोस्तों, अब रैंडी को सिर्फ 3 दिन और जागे रहना था। मेंटल हेल्थ को छोड़कर शारीरिक रूप से रैंडी बिल्कुल स्वस्थ थे। तो इस तरह से 11 दिन भी बीत गए और पिछला रिकॉर्ड भी रैंडी ने तोड़ दिया, और वो पूरे 264 घंटों तक जागते रहे थे। इसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम आई और उनको उनके घर से उठाकर हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वहाँ भी यही बोला गया कि रैंडी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल के बाद रैंडी पूरे 14 घंटे तक सोए और उठने के बाद वो स्कूल चले गए। लेकिन दोस्तों, असली दिक्कत इस एक्सपेरिमेंट के 10 सालों के बाद शुरू हुई, जब रैंडी इंसोमनिया का शिकार हो गए और वो अब रात को 3 बजे से पहले सो ही नहीं सकते थे। इसके अलावा वो हर रोज़ रात को इसी डर में सोते थे कि अगर उनको नींद ना आई तो क्या होगा। और दोस्तों, इसके बाद से रैंडी आज तक 5 घंटे से ज़्यादा कभी सो नहीं सके, और अब वो खुद को कन्फ्यूज महसूस करने लगे हैं। इसलिए दोस्तों कहते कि आप कभी भी किसी रिकॉर्ड के लिए अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ न करें। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।